ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰੱਜੀ ਦੇ ਸਬਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰਾਭੇ ਉਦਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਾ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖੜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ अगली कबड्डी पाउण दे लई वध आया और दूसरे पासे वेखदे भी जाफी नौजवान इस समय गोपी शहीद भगत सिंह नगर का खिलाड़ी कोशिश करता हुआ भजड़े पिंड का गोपी नहीं लग सकिया पॉइंट मंडिया पिंड का गोपी सिंह अपनी टीम ने सही उड़ गए ये गुरु आसान को देता है प्रधान कबड्डी का पूजन योग होता जंग मैदान कबड्डी का रहन जो दे जो दे ताकत होंगे कौम की विच विदेशा बड़ा कर रही मान कबड्डी का हम हर बेटा की मानने दिल की इच्छा हो गई है ये बड़ा होके गुतमले प्रधान कबड्डी का ये बड़ा होके गुतमले प्रधान कबड्डी का आज भुल्ले भुला रहे होने के लिए सुंदर दीदे हां पहली हुई कबड्डी ने इस समय नौजवान को कबड्डी बाहर के लेवल आया शहीद भगत सिंह नगर का और दूसरे पास से मैंने भी कनाडा ने खेल बनाना भी 31 रन का जफर आया इस मुंडे ने मार की मेरा गुप्पी कोशिश कर रहा होया त्रुटि गुरुवाला रोज कबड्डी का खिलाड़ी एक बार जोरदार तालियां मार दो इस मैच का पहला जफर त्रुटि गुरुवाला के प्रबंध कमेटी ने बनियो नवजन गोपी मार की बेटा लागे और लंबी टीम में से जुड़ गए आ भी नवजन अगली कमेटी ये मसमूर में दिखेंगे काका कारी शारी दा सी बलविंदर फेटा कोड़ा लंबी पारी दा सी बलविंदर फेटा कोड़ा लंबी पारी दा लखा की गल करदा लखा गाजीपुर दा जी खाली हथ गुरलाल कदे ना पीछे मुड़दा जी बाजे खाने जमे सी हरजीत बराना वे ये खेडण जोरा नाल कमेटी गुस्सा ना रहे कमेटी गुस्सा ना रहे आज दुनिया दे चप्पे चप्पे दे हद भी दसवा आनंदपुर साहब का होला महला कबड्डी सदर स्थान चैंपियनशिप नाल उसी मुकाबले जेड़े देखे जा रहे हैं कबड्डी दे सब मैच आउट ऑफ ते जी पंजाबी जनों दे ए मैचा तुसी लाइव देख रहे हो सारी संगता दा बहुत बड़ा धन्यवाद है और इधर अगली कबड्डी इधर अगली कबड्डी लखन के पड़ा पेंडा है दुनिया में बहुत बड़ा नाम है सुखी का सुखी लखन के बड़े पिंडा अगली कबड्डी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बलियों पावर के लिए बद आया है दूसरे पासे भजला पिंड शहीद भगत सिंह नगर का पिंड है उसे पिंड का नवजन गबरू गोपी भजले वाला कोशिश करता होया सुखी लखन के बड़े का रंग मुड़ता होया नवजन रेडर से जुड़ता होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम इसे जुड़ गया है उधर अगली कबड्डी पाउण दे लई इस समय नौजवान कबरू कहते भी पीटू मानेवाल पेंडा है ये नौजवान ने हुण कबड्डी पाई है ते दूसरे पासे गोपी मंडिया पेंडा जाफी है जो नौजवान कोशिश करना होया हर पॉइंट इस समय पीटू अपनी टीम में से जुड़ गया है और अगली कबड्डी पाउण दे लई इस समय खेड़ते मैदान दे विच सिखी लवास है ਯੋਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੱਛੀਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਵਜਨ ਕਬਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਆਇਆ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਗਬਰੂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਕਾ ਬਾਜ ਤੇ ਤੀਰਥ ਦੀਪਾ ਹਰ ਚੰਡੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਹ ਮੱਖਣ ਭਰਾਣਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਖੋਰੀਆ ਨਾ ਕਬ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੱਟਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੱਟਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ अगली कबड्डी अमित गुर्जर की खेल मैदान में पड़ी हुई है ये दूसरे पास से निकले भी ये नौजवान है रसाले पिंड का करमजीत सिंह कबड्डी का मशहूर जाफी मेरे वीर खुशी कर रहा होया इस नौजवान ने लगन दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम वाली हूं ना हो देख रहे भी सारा बीता होया एक पासे मंगी ते दूसरे पासे आ है करमजीत सिंह रसाले वाला लाके रे पॉइंट आपकी टीम से जुड़ गया है लखा जो पॉइंट है जदो कहते भी दुनिया में समोटे की कबड्डी पैंदी है ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸੁਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੋਰ ਖਿੱਚੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੰਨੀਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਆਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਗੁੰਦ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਰੋਂ ਪਾਣਾ ਛੋਲਾ ਏ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰਾਫੀਅਤ ਬਣਦਾ ਮਰੋਲਾ ਏ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਧਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਕੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਨਾਵਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਵਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੱਖੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀ ਬੈਠਦਾ ਗੋਪੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਪੀ ਨਾਵਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਫੀ ਨਾਵਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਤ ਆਉਜਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਬਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰੇ ਖੜ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰੇ ਆਸਾਨ ਸਿੱਕਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਖਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦੀ ਖੇਡਦਾ ਰਖਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦੀ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੇ ਜੋਗਲ ਜੋੜਦਾ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਆਵਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਘੋੜ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਜਾਈਏ ਮਰੇ ਹਾਰੇ ਜੀ ਨਿਕਾਲ ਇਹਦੀ ਕੱਢੀ ਇਹ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਭਰਾਵੀ ਪੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਦਾ ਭਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਬਾਜਾ ਬਾਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਕੈਮ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੂਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਵਿਆ ਗੁਰੂ ਜਿੰਦਾ ਭਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਈ ਲਖਣ ਕੇ ਬੰਡੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਆਇਆ ਸੁਖੀ ਲਖਣ ਕੇ ਬੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਲੋ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਅਮਰਸਰ ਲਾਲ ਕਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਕਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਅਮਰਸਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਬੰਡ ਸੁਖੀ ਲਖਣ ਕੇ ਬੰਡੇ ਬੈਠਾ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਵਾਲ ਕੇ ਨਾਵਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੈ ਲੈ ਕੁਜ਼ੀਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਚ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਤੀਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਮੈਚ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ 70 ਕਿਲੋ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਚੀਆਂ ਨਵਜਨ ਗਬਰੂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਧਾ ਬੰਡ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਲਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਯੂਕੇ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਆਖਰ ਨੇ ਖੀਰੇ ਨੇ ਆਪਹੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੰਦਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਡੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਂ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਂ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਧਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਰਾ ਰਿਸ਼ੂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲੋ ਇਸ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
फरीदकोट पास अमृतसर ये टीम तैयार हैं। इस मैच के जो ऑफिशियल भी होंगे सरदार दविंदर सिंह जी कोच रोपड़, काला बालपुर जी, हरबंस सिंह जी, सरदार जरनैल सिंह जी कपूरथला, जगतार धनौला जी राणा बलवालीपुर, ये कोच साहबान बेनती है कि ये भी अपनी ऑफिशियल ड्रेसा पा के जड़िया तैयार रहन, मैच खत्म होने सार ग्राउंड के आ जाए। फरीदकोट पासज अमृतसर इस वक्त मैच की टीम तैयार रहन। आओ अगली ट्वेंटी बाउंड्री पिंडा बरौली पिंड का मेल इस समय खेल के मैदान के बच्चे वजह आज दूसरे पास चार जाफी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम ने हूँ कि नवजन इस नवजन लगेगा। एक पास मंडिया पिंड का गोपी है, यहाँ नवजन कहते भी सारे पिंड का करमजीत सिंह है, ये ला के लिफा बंद अभी टीम इससे जुड़ गया है करमजीत सारे वाला जसवंत सिंह जी खड़ग नाल हरविंदर ढिलों जी मौसा जो कि कले कले पॉइंट से कले कले धार्मी दिखा नोट कर रहे हैं, कले कले जाफी के पॉइंट नोट कर रहे हैं। अज कहते भी कारा के मान सम्मान होने आनंदपुर साहब की धरती से, अज सर्कल स्टाइल चैंपियनशिप के मुकाबले है। इधर पई हुई कबड्डी के नौजवान गोपी कोशिश करता होया दूसरे पास नौजवान पॉइंट एच जी पी सी की टीम से जुड़ता हो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम से इसे जुड़ता हो जल भी नौजवान आखिरी कमेटी ये यार हर जरा पंजाब मेरा पहला हुए के सुर में शहीद दिते सरबत समाज के लगन हाल दस दे सौ के कन्या के तो मुहित दिते बड़े बड़े धार्मिक के जितों ने मुंह मुड़ के मैं कसू के थोड़े गुलाब दी जी ये जितों ने लोग नहीं असली मारे ने कमेटी खेल हाउस पंजाब दी जी कमेटी खेल हाउस पंजाब दी जी भाई तो हमारे शहर की टीम से जुड़ गया है। और अगली कमेटी बाउंड के लिए इस समय योता शिकार माछी पिंड का खेल मैदान के कबड्डी बाउंड के लिए वजह होया दूसरे पास विक्रम भी नौजवान चुकू जाफी कोशिश कर रहा है इस नौजवान को लगन की पर पॉइंट योता शिकार माछी का अगली टीम के हिस्से जुड़ गया। कुश्ती का मैच 70 किलो का क्वार्टर फाइनल चल रहा है जिसमें चंगा पंजाब के लेंदे पंजाब के पहलवान अपना अपनी कला का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। हम तक दूसरा राउंड जितने जितने वालों वादा हुआ अमृतसर का पहलवान साहेब तो पाकिस्तान का पहलवान अजे तक कोई अंक नहीं बना सकया। सो मैच दूसरे मिनट में दाखिल हो चुका, दूसरे मिनट के भी 50 सेकेंड बाकी है। सो इस तो बाद दो कुश्तियां साडे कोल हो रहा 70 किलो वर्ग दी तो उस तो बाद 90 किलो वर्ग का पहला राउंड शुरू होगा। सो 90 किलो वर्ग के पहलवान भी अपने आप को वार्म अप करना शुरू कर दे। सो अगली कुश्ती के लिए रेकू जीत पर मोहम्मद सलमान पाकिस्तान दोनों पहलवान तैयार होकर मैच में लग गया है। हेलो चल भी नवजन का भाग ली कबड्डी अगली कबड्डी पाने के लिए इस समय नवजन गबरू मंगी खेल मैदान के वाधा होया है। एक मंगी जी भी कबड्डी है बहुत ही सत्कारयोग जो इस मैच का ऑफिशियल है सरदार हरजीत सिंह जी जलंधर, सरदार बलविंदर सिंह जी ट्वेंटी पत्र यूके को विजेता से बचे हुए है, शामा जीटी, सरदार साधु सिंह जी बराड़ पत्तो वाले, सरदार बलजीत सिंह जी रोपड़ जो कि इस मैच के ऑफिशियल है। अज इधर कोई भी अगली कबड्डी ये गोल जहां नैरा में हंधे दिस रहे चढ़ जाता जादत खिलाड़ी में दिस रहे जाइए बलिहारी जी ने कहा लेती कंडी ये खेलने की कबड्डी है खेलने की कबड्डी खेलने की पंजाबी होता खेल खेलो जोर दी ये लखा नहीं निकल कबड्डी हुई है करोड़ दी लखा नहीं निकल कबड्डी हुई है करोड़ दी। आज आनंदपुर साहब की बात से बोले तो धरती ने इंग्लैंड की खेल पर इधर बनियो कबड्डी का बहुत बड़ा भाग है। रेकू जीत पर मोहम्मद सलमान पाकिस्तान बहुत ही बढ़िया मैच थोड़े सामने शुरू होने जा रहा है। रेकू जीत पर लाल अंगी का सिर पे मोहम्मद सलमान कांग्रेस क्रिकेटर का मैच है।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿੰਕੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਖਾੜਾ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ दूसरे हर साल की तरह
दूर दराजों किता खर्च के करके आए हैं और मैं इस गल की बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने एक दो रूल ऐसे नवे बनाए हैं जेडे कि बहुत ही सराहना योग है। तुम देखे होना कि अखबार पढ़ा होना इस के नाम बहुत हैवी नाम रखे हैं जिन्हें कि फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपया तो सैकंड 2 लाख रुपया और जो इस टूर्नामेंट को बेस्ट कैप्टन आएगा वह कार दी जाएगी इसे राय बेस्ट कैप्टन कार दी जाएगी। तो लेकिन दो शर्तें ना रखी गई हैं बहुत ही अच्छा सारे लोग हैं कि हर खिलाड़ी जिन्हें इस रामपुर साहब तो बेस्ट हो गए ज्यादा रेटर ने उन्होंने हर मैच के बीच 7 जगह रेटा पैनिया जरूरी है और दूसरे पास जो बेस्ट स्टॉपर होना हर मैच के बीच 7 स्टॉप जच करनिया पैनिया चाहे फड़िया जाए चाहे रेटर दौड़ ले। तो आम करके देखा जाता सी कि सैमी फाइनल या फाइनल तगड़े मुंडे आगे फ्रैश हो गए तो टूर्नामेंट जो फाइनल मैच करेंगे इस तरह ही स्टॉपर जो हर मैच तो 5-5 भी लगा 5 तो वध भी लग सकता है घटो घट मैं दस रहा सारी जी। तो इस करके लेखा जोखा जो फाइनल मैच तक खेलिया जाना है शुरू कर चुके हैं 70 किलो का जो लास्ट मैच है क्वार्टर फाइनल का सतीश पठानकोट मोहम्मद अहसान पाकिस्तान ये दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। एक बार सेमीफाइनल का सी मैच शुरू करना चाहते हैं तो बार 90 किलो वर्ग के तो 90 किलो वर्ग के पाकिस्तान के पहलवान को शिकायत सी खाना खान मेरी बेनती है पाकिस्तान के मैनेजर का कोई भी जो कोच जितने है वो अपने पहलवान को बुला लें ताकि असं सही टाइम पे 90 किलो वर्ग का कंपटीशन शुरू करा सकी। धन्यवाद। सो अगली इस तो बाद जी कुश्ती अगला होना राउंड 70 किलो वर्ग का पहला सेमीफाइनल असी 19 रेस्ट लवान जिन्ना कानून कहता 15 मिनट की रेस्ट होंगी उस मैच तो बाद। तो अगली कुश्ती में विशाल पटियाला के साहिल अमृतसर के दोनों पहलवान अपनी वार्म अप शुरू कर दें उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक हो जाएगी फिर दूसरा सेमीफाइनल उसके बाद असी करावे 90 किलो वर्ग का पहला राउंड। हेलो आज इस पंजाब के बड़े कमेटी का आपके गुजर ने चाहे वो धनबाद करती है आनंदपुर साहब की करती भी बड़ी मानता है सिख धर्म जिसे आज तुम होना माना सरगत साहब के बीच देख रहे हो ज्यादा होया मैच एक पास शहीद भगत सिंह नगर है ते दूसरे पास टीम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम है दुनिया के बाद का ना हो खिलाड़ियों का लाओ अगली कमेटी बॉर्डर इस समय लाओ ये करो शहीद भगत सिंह नगर वाला है दूसरे पास आज आप ही कहने भी इन मुझे आने के सारे भी लोग काम कर रहा लाओ जी
इस तो बाद पहला सेमीफाइनल शुरू हो जा रहे हैं विशाल पटियाला ते साहिल अमृतसर। इस तो बाद 90 किलो वर्ग 6-50 ये चार कुश्तियां ने वो भी चारे बूटा तैयार हो जान। इस पहले सेमीफाइनल तो चार 90 किलो वर्ग नहीं है, फिर उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल, तो फिर उसके बाद पांच कुश्तियां छटनी हो रहे क्वालिफाई होनिया वो 90 किलो वर्ग नहीं होनिया, उसके बाद रुस्त में जमान का मुकाबला होगा। माइक ओवर टू गुरचरण सिंह के लोग। बहुत बढ़िया कुश्ती मुकाबले जनाब, पंजाब की मार्केट कबड्डी और तीसरा मैच और तीसरे मैच की टीमा मैदान में फरीदकोट और अमृतसर का दोनों जिले कबड्डी के महारथी पैदा किए हैं। अमृतसर जिले ने करपाल खान महेंद्र ममड़ वर्गे बहुत वे वे खिलाड़ी पैदा किए और जोता सबराहा का अगले माइक कबड्डिया पावेगा अगले मैचिया। तो बहुत वधिया है मैच का जो प्रदर्शन हो रहा है और दुनिया के सिख पस के कोई मित्र बने में खानी। अगली गल मेरा छोटा जी का लवली कबड्डी पावे नवजन कबड़ू इस समय खेल मैदान के बाद आया कि दूसरे पास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम ने चार जाती है। लाओ अभी हुई कबड्डी ने मंडी का पेंडा है मंडी का छोटा वीर रूपी मंडी का दूसरी करना पर भरत रेगर ने से योग्य है शीत भाग सिंह नगर की टीम ने से है। अगली कबड्डी ये समय नवजन कबड़ू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम वालों कारपेट का खेल मैदान के कबड्डी पावा आया हूँ पेड़ा लाठी मेरे वीर इस नवजन को रंगना है रंगना मंगी टीम खुश से भरत रेगर ने से योग्य है कि रेगर ने भी भाग जरूरी ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੁਰਕੇ ਜਾਤੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦੀ ਰੇਡਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਗੋੜਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਘਟ ਕੇ ਆਹੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਾ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਰ ਦੇ 7 ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰਹਿਣੇ ਹੈ जोश जान तकनीक दी अजकल खेड कबड्डी दी इहने जोर वाले जो राफी ढाई जाते ने यह तेज निगाह का वर्गी होंगी जिन्हों रेडर की पता नहीं कहे वे हाथों लाई जाते हैं लंघे वाले ने योधे आते हैं चार जवानी दे संदीप कबड्डी के सभी खिलाड़ी इस मैच में खेलेंगे यह खिलाड़ियों का भी धन्यवाद है और एक मंगा है जैसा इस नवजन गुरु रेडर को बची हुई कैंची है वो देखने भी बैठ के देखे जाना है टूटी कैंची आ गई है ये अपने सांस जी भी कर रहे थे सांस ऐसी कोई भी ढूंढी ना ये पहले टूटी कैंची ये दुकान ढूंढी ना ये दुकान ढूंढी ना बैठ गया फिर ऐसे है अगली कबड्डी जोर पूरी दुनिया पूजी है जेडे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट खेल रहे हैं बड़ा प्रदर्शन होता है अगली कबड्डी बाउंड्री इस समय नवजन कबड्डू शहीद भगत सिंह नगर के मानेवाल में प्रोग्राम कर
प्रवेश किया ਪੰਜਾਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ 90 ਕਿਲੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਾਪਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਥ ਕਪੂਰਸਲਾ ਕਰਤਾਰ ਧਨੋਲਾ ਤੇ ਰਾਣਾ खिलाड़ी मनदीप मनदीप मोगे वाला।